क्विज में खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दुल्हे ने शादी से पहले ही की कुछ ऐसी गंदी हरकत की दुल्हन ने गुस्से में आके तोड़ दी शादी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से आ रहा है, वो क्या गंदी हरकत है जिसके कारण दुल्हन जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने अपने होने वाले पति को अपनाने से इनकार कर दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब शादियां होती हैं तब उस दौरान ही लड़की के परिवार वाले ये सब चीजें देखते हैं कि आखिरकार लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, उस दौरान ही शादियां करवाई जाती है और यही सब चीजें लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों के लिए करवाई जाती है। इसी दौरान ही ऐसा ही मेल खाता हुआ मामला हमारे सामने यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रहा है, जहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है खजूरी गाँव। वहाँ पर एक शादी हो रही थी और बाराती जो है वो एक्चुअली में अपनी बारात लेके आए थे। सब चीजें काफी ज्यादा खुशी खुशी चल रहा था और उस दौरान ही वहाँ पर दूल्हे के मुंह में लड़कियों की जो लड़की है उसकी सहेलियों ने गुटखा देखा, जो कि वो काफी गंदी हालत में खा रहा था। उसका मुंह जो है वो काफी ज्यादा गंदा लग रहा था, जिसके कारण लड़कियों ने दुल्हन को जाके इसके बारे में बताया और दुल्हन ने जब खुद अपनी आंखों से देखा तब लड़की को भी काफी ज्यादा गंदा लगा और उस दौरान ही उसने मौके पर ही इसे शादी से इनकार कर दिया। उसने ये चीज बताया कि मैं इसे ऐसे दूल्हे से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो कि नशा पत्ता करता है और मेरी आगे की जिंदगी कैसी होगी, उसका मुँह उसके दांत देखिए कितने ज्यादा गंदे है। इस दौरान ही वहाँ पर काफी सारे लोगों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की और दूल्हे ने भी बोला कि वो सब चीजें छोड़ देगा, पर दुल्हन का कहना ये है कि सब नशेड़ी जो है वो ऐसी बातें बोलते तो जरूर है पर कुछ करते नहीं है, इसीलिए वो एक्चुअली में शादी के लिए मंजूरी उसने नहीं दी और उस दौरान ही सब लोगों ने अपनी मर्जी से बातचीत करके जो उपहार लिए दिए गए थे उनको वापस करने का बात कर ली और बारात जो है बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। हमें बताइए जरूर कि दुल्हन ने जो कदम उठाया है वो आपकी नजर में सही है या गलत है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।